ऐसा नहीं लगता शिक्षकों के आंदोलन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? हमें भी इस चीज का खेद है कि हमारे कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई में लॉस हो रहा है, और लेकिन हमारे जो शासन है वो हमारी आज भी मांग पूरी कर देता तो हम अपने स्कूलों को लौट जाएंगे और हमारे बच्चों को अधिक समय देकर हम उनकी जो पूरी पढ़ाई के नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक साथ एक तिथियों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हमारी दो सूत्री मांग है, देय तिथि से हमारे जो लंबित महंगाई भत्ते हैं इस सरकार ने नहीं दिए हैं,
जिसके कारण से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को प्रति माह 4,000 से लेकर के 14,000 रुपए प्रति माह का नुकसान हो रहा है। इस तरीके से एक एक कर्मचारी के लगभग 3-3 लाख रुपए से अधिक की राशि राज्य सरकार ने रोक करके रखी है। इसके अलावा जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता है छठवे वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू है और सातवें वेतनमान के आधार पर देय तिथि से लंबित गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस मांग के लिए हम पहले भी सांकेतिक आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन शासन की हठधर्मिता के कारण से आज तक ये मांगे पूरी नहीं हुई हो पाई है। इस कारण से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। इस बार जब तक मांगे पूरी नहीं होगी कर्मचारी टस से मस नहीं होंगे और जब तक हमारे लंबित महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता देने के आदेश जारी नहीं किए जाते आंदोलन निरंतर जारी रहे।